खरगोन जिले के महेश्वर में आज दिनांक शाम 7 बजे महेश्वर के विजय स्तंभ चौराहे पर शासन प्रशासन के नियम अनुसार हमारी बेटी मनीषा वाल्मीकि को श्रद्धांजलि की गई। अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि करते हुए एमडी चौबे जी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के महामहिम राष्ट्रपति एवं देश के उच्चतम न्यायालय से देश की बेटी के लिए न्याय की मांग की। कोरोना की वजह से प्रशासन ने मात्र 25 लोगों की मौके का अनुमति प्रदान की, जिसके चलते इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में महेश्वर नगर सफाई कर्मी संघ के साथी एवं वाल्मीकि समाज के श्याम चौहान जी, राजेश गोली जी, भले समाज के नारायण गोपाल जी एवं बिरजू भालेकर जी तथा ग्राम पतरण के भीम आर्मी के पदाधिकारी एवं ग्राम मर्दाना से राहुल पांडे जी, मुस्लिम से इरशाद खान साहब, केवट समाज से महेश वर्मा जी का, हर समाज से दीपक सोलंकी जी, भील समाज से संदीप वसुनिया जी, यादव समाज से संतोष यादव जी, पाटीदार समाज से बंटी पाटीदार तथा बंजारा समाज से रमेश राठौड़ जी प्रमुख रूप से पधारे। समाज के इन वरिष्ठ समाज सेवियों द्वारा देश की बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए न्याय की मांग की गयी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी चौबे है। कहाँ रहते हो? मैं महेश्वर अम्बेडकर मार्ग। अच्छा, किस उपलक्ष्य में आपने श्रद्धांजलि दी? आज हमने महेश्वर के विजय स्तंभ चौराहे पर देश की हमारी वाल्मीकि समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि, जिसके साथ उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो जघन्य अपराध की घटना घटित हुई है, 4 लोगों ने जो उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया है 14 तारीख को, जिसके बाद लड़की को गंभीर अवस्था में 3 अस्पतालों में भर्ती किया गया। अच्छा। और उसके बाद हमारी उस बालिका की 30 सितंबर को सुबह मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु के बाद में उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जिस तरह से सबूत मिटाने का प्रयास किया, और सबूत मिटाते हुए पीड़िता के परिवार को डराया धमकाया, उनको उनके घर में बंदी बनाया, और जिस तरह से हाथरस जिले के अंदर माहौल बना है, उस माहौल को देखते हुए सारे देश में इस बेटी के न्याय के लिए जो उग्र आंदोलन चल पड़ा है, उसी के संदर्भ में हमने आज महेश्वर में हमारी इस बेटी को श्रद्धासुमन अर्पित करें।